क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। अरे सर, इस गोल्डन पॉलिसी के लिए इससे सस्ता प्रीमियम हो ही नहीं सकता। इतना सर खपाई मत करो सर, 10,000 रुपए के लिए बहुत सस्ता प्रीमियम है। पूरी फैमिली कवर हो रही है सर इसमें आपकी। जी सर, ठीक है सर, शाम को मिलते हैं। वैसे भी अभी एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ मैं। ठीक है, रखते हैं सर, बाय। अरे सुनिए, आप मोहित को भी अपने साथ लेके जाइए ना, इसकी स्कूल की बस छूट गई है। पूनम, अभी पॉसिबल नहीं है, वक्त नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम क्लाइंट लोगों से मिलना है कुछ। अरे तो कितना वक्त लगेगा आपको, स्कूल छोड़ते हुए निकल जाइएगा। अरे पूनम, हो नहीं सकता ना, हम किसी और रूट से जा रहे हैं। एक काम करो, बाबूजी को बोल दो, वो छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, ये जरूरी सामान का लिस्ट है, लेते आइएगा। अरे सब काम आज ही करने हैं क्या? रखो इसे, कल देख लेंगे। अरे जरूरी सामान का लिस्ट है तभी आपको बोल रहे हैं लेते आइएगा। और शाम को लौटते वक्त नहीं लेके आ सकते क्या? नहीं आ सकते ना, क्योंकि हमें इससे भी ज्यादा जरूरी काम है, समझी? चलते हैं हम। लो ये लिस्ट हमें दो, हम ले आते हैं। अरे नहीं नहीं बाबूजी, इतना भी कोई जरूरी का सामान नहीं है, कल भी लेके आएंगे तो कोई बात नहीं। कल? तुमको महेश पर भरोसा है कि वो कल लेके आ ही जाएगा? उसको तो काम से फुर्सत नहीं मिलता है। अरे मोहित को स्कूल छोड़े जा रहे हैं, वापस आते समय ले आएंगे। लाओ लिस्ट हमें, लाओ। नहीं नहीं बाबूजी, रहने दीजिए। अरे लाओ लाओ दो हमें। चल बेटा मोहित, चल बेटा, आज तुम्हारा एग्जाम है ना। देखिए बबन भाई, हम लोग केस भले लड़ रहे हैं, हम लोगों के जीतने के चांसेस नहीं है। जिस जमीन पर आप कब्जा करना चाहते हैं उसकी रजिस्ट्री आपके रजिस्ट्री से पहले केसों के नाम पर हुई है, और भी सेम खानदान के वारिस ने की है। इस हिसाब से कानूनन उस जमीन पर केसों और उसके वंश का अधिकार है। ए वकील, हम द्वारा के पैसे कहां दिए, केस लड़ने के लिए या हमारा खोपड़ी खराब करने के लिए? देखिए हम वकील हैं, चीजों को तोड़ते मोड़ते हैं, पर हर चीजों को तोड़ा मोड़ा नहीं जाता। केसों के पास उस जमीन के ओरिजिनल पेपर हैं, उस हिसाब से इस केस में हमारी दलीलें नहीं टिकेगी। ए वकील, एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर कोर्ट में हमारी दलील नहीं टिकी ना, तो तू भी इस दुनिया में नहीं टिकेगा। जो ठीक है पापा, हमको ये हाईवे वाली जमीन हर हालत में चाहिए, हमको मॉल बनाना है वहां। तो टेंशन काहे ले रहा है, और बाप है ना टेंशन लेने खातिर, वो जमीन तुझे ही मिलेगी। लेकिन कैसे? आपने सुना नहीं उस वकील ने क्या कहा? उस जमीन का कानूनी हकदार आपका बड़ा भाई केशव और उसका वंश है, हम लोग नहीं। और अगर केशव और उसका वंश ही ना रहे तो? तब तो जमीन तुझे मिलेगी ना, तो समझ ले वो जमीन तुझे मिल गई है किसी भी कीमत पर। जरा इधर आना। जी जी बाबूजी, लाई। अरे सरकार पैसे का कहा है, आज नहीं तो कल खर्च हो ही जाएगा, इसलिए उसको ऐसी जगह निवेश कीजिए जहां पैसा डबल आए। अगर फ्यूचर में आपको जरूरत पड़े ना, तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। और इंश्योरेंस से अच्छी जगह और क्या सकती है, जहां इन्वेस्टमेंट करो और पैसा डबल, कितना इजी है।
हाँ सर, ये जगह बिल्कुल अच्छी है, अगर यहाँ इन्वेस्ट कर दोगे। अरे दिमाग से पागल हो गई हो का? है? जरूरी फोन चल रहा था हमारा। आपका तो हमेशा जरूरी कॉल चलता रहता है। आपको अपने काम के अलावा कभी भी किसी और चीज की फिक्र होती है? और क्या काम करते रहते हैं, रात दिन काम ही चलता रहता है आपका। आपके जीवन में बीबी बच्चा बाप नाम की कोई चीज है भी या नहीं है? सदा अकेले चंद मत बनो, ये जो हम कर रहे हैं ना परिवार की खुशी के लिए कर रहे हैं, समझी? लेकिन तुम्हें छोड़कर सब मानते हैं और हमारी मदद भी करते हैं शायद इसलिए। बाबूजी को ही देख लो, सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ के आए और आते हुए घर का सामान भी लेते आए। हाँ, और साथ में मेरा पर्सनल और प्राइवेट यूज करने की चीजें भी लेके आए। प्राइवेट समझते हैं ना आप, जो खाली हम या आप लेके आ सकते थे वो सब बाबूजी लेके आए हैं। आपको आइडिया भी है हमको कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है तब से बाबूजी घर का सामान लेके आए हैं। नजरें नहीं मिला पा रहे हैं वो हमसे। तो तुमको पर्सनल लिस्ट अलग से बनानी चाहिए थी या उनको वो लिस्ट देनी नहीं चाहिए थी? अरे तो हमें कहां पता था कि आप वो लिस्ट लेके नहीं जाएंगे, और बाबूजी को लिस्ट दिए नहीं थे हम, जबरदस्ती खींच के ले गए हमारे हाथ से, तो क्या करते हम? ठीक है, मानते हमसे गलती हो गई है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हम वादा करते हैं तुम्हारी लिस्ट का सामान का ध्यान रखेंगे, हम कभी मना नहीं करेंगे। हम चलो, हमारा फोन दो, हमें जरूरी बात करनी है। नहीं, फोन तो नहीं देंगे हम। हो गई आपकी बात जितनी करनी। काहे मजाक करी, फोन दीजिए ना। अरे नहीं देंगे हम फोन, आपको बात ही करना रहता है हमेशा। मूड मत खराब कीजिए। आप नहीं देंगे ना प्लीज फोन। अरे फोन आप नहीं देंगे। अरे फोन दीजिए, कहाँ बात करते। फोन दो, हमारा क्लाइंट है वो। हेलो, क्लाइंट लाइन पे है यार। काम करो बहू, अपना हाथ दो, हाथ पकड़ो। एक काम करो, तुम एक काम करो, अपना ये हाथ मेरे कंधे में दो, आराम से। अरे कुछ नहीं, आराम से खड़ी हो, आराम से, कुछ नहीं होगा, आराम से संभाल लो। आप अंदर आओ। तो बहू कैसे काम करती हो तुम? मुझे बहुत जोर से। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम है ना। आओ 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 आओ, बैठो आराम से, संभाल के बहू, संभाल के आओ, लेटो आओ आओ। बहू हम ना डॉक्टर को फोन किए देते हैं, ठीक है? अरे नहीं नहीं बाबूजी, डॉक्टर को फोन मत करिए, ड्रावर में बाम होगा, दे दीजिए उससे ठीक हो जाएगा। ये हम लगा देते हैं ना बहू? नहीं बाबूजी, लगा लेंगे। हम लगा दे रहे हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, लो हम लगा दे रहे हैं। नहीं बाबूजी हम। अरे नहीं हो पाएगा, तुमसे कैसे लगाओगी तुम? है चलो थोड़ा सा सह लो।
कहाँ लगी है? अभी ठीक हो जाएगा। अरे बहू कुछ नहीं होगा, हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं ना। बाबूजी बस रहने दीजिए, हो गया। अरे बहू कहाँ जा रही हो? बाबूजी मंदिर जा रहे थे। अरे पर पैदल काहे जा रही हो, हम तुम्हें बाइक भी छोड़ दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं बाबूजी, पास में ही तो है, हम चले जाएंगे। पास में कहाँ है, बहुत दूर है, और वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, रास्ते में कहीं गिर गई तो मैं तुम्हें स्कूटी में छोड़ दूंगा। अरे बाबूजी आओ बैठो, बहस नहीं, आओ चलो। भाई उठो। अरे बेहोश हो गया, मुंह पे पानी मारो इसके। निकम्मे हो तुम सबके सब, ये काम ठीक से नहीं हो सकता है। फोन रख। केशव प्रजापति, हम भी देखते तुम और तुम्हारा परिवार कब तक हमसे बच सकता है। बाबूजी हम जानते हैं ये सब उस भवन ने किया धरा है, लेकिन इस बार हम छोड़ेंगे नहीं उसे, सीधा जेल भिजवाएंगे। ये महेश, और कहाँ बताएगा पुलिस को? हाँ, जिस गाड़ी से तुम्हारे पिताजी को मारने की कोशिश की गई थी वो हम चला रहे थे या हमारा बेटा? पुलिस को जो बात बताई जाती है उसे साबित करना पड़ता है। गवाह सबूत है तुम्हारे पास? एक बार कंप्लेन लिखाएंगे ना, सब मिल जाएगा, समझे? ये महेश ज्यादा उड़ मत, छूटा है तू, बात से लड़ने की कोशिश मत कर, लोच के निकल जाएंगे।
और हाँ एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम लोग, तुम लोगों की समस्या भी मैं हूं और समाधान भी। अगर तुम लोग और तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहना चाहता है तो वो हाईवे वाला प्लॉट भूल जाओ और केस उठा लो, नहीं तो तुम लोगों की जिंदगी में हादसों की लाइन लग जाएगी। बबन, तेरी इस धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं है, तुझे जो करना है ना कर ले, लेकिन उस जमीन का एक भी टुकड़ा हमारे जीते जी तुझे नसीब नहीं होगा। ठीक है भाई साहब, जैसी आपकी मर्जी, हम भी देखते कितना सह लेते हैं और कब तक। चल रहे, हमारे समाज को सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से बनाए रखने के लिए रिश्ते बने हैं, क्योंकि हर एक रिश्ते का अपना एक मकसद, अपना एक दायरा होता है, तभी तो एक ही इंसान अलग अलग रिश्तों में अलग अलग तरीके से पेश आता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने रिश्तों के दायरों को तोड़कर एक नया और अलग सा रिश्ता कायम करना चाहते हैं। केशव की चाहत भी कुछ ऐसी ही थी। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। केशव पूनम का ससुर था, लेकिन इस वक्त उसके मन में पूनम को लेके जो ख्याल आ रहे थे, वो ख्याल उनके बीच के रिश्ते को कतई इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन केशव पूरी तरह से दृढ़ था, वो इस पुराने रिश्ते को तोड़कर पूनम के साथ एक नया रिश्ता कायम करना चाहता था। अब देखना यह है क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगा, क्या पूनम उसे एक नया रिश्ता बनाने की इजाजत देगी। वहीं दूसरी तरफ बब्बन नाम का खतरा जो इस खानदान पर मंडरा रहा था, क्या होने वाली थी उसकी अगली चाल, और क्या इस चाल से यह खानदान अपने आप को बचाने में कामयाब हो पाएगा। आइए देखते हैं। जल्दी कौन सोता है? मुझे सोने दो, कल सुबह सुबह क्लाइंट लोगों से मिलना है यार। आपकी जिंदगी में आपके क्लाइंट्स, आपकी पॉलिसी, आपका काम, यही सब रह गया ना? पत्नी नहीं है, सब है यार। लेकिन अभी मुझे सोने दो प्लीज। नहीं, पहले वो नहीं, कल करेंगे पक्का। ये कल कभी आता नहीं है आपका, रोज कल 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 का बहाना। आपको याद भी है लास्ट टाइम कब? पूनम प्लीज, अभी थका हूं, प्लीज सोने दो मुझे यार प्लीज। उठो ना, उठो ना, तुम्हें ऐसे परेशान करूंगी। उठो, आपको कभी भी हमारी फीलिंग की कदर नहीं होती, शादी नहीं करनी चाहिए थी आपको। कल 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 जरूरतें पूरी करने आए हैं। मेरी जरूरतें मतलब?
हमें सब मालूम है, सब जानते हैं। एक बात बताएं, इंसान के अंदर एक ही चीज होती है जो उसे जिंदा रखती है, और वो है इच्छा। इंसान को अपनी इच्छा को नहीं मारना चाहिए। बेटा बाकी की पढ़ाई बाद में करेंगे, अब जाओ खेलो। थैंक यू मम्मी। आपको एक बात बताएं, uh-huh. आपने हमको बहुत बड़ी खुशी दे दी है। तुम इस खुशी की हकदार थी, और हम भी एक बात बताएं, हमें भी ना तुम्हारी तरह एक खूबसूरत साथी की तलाश थी। बाबूजी के सर में दर्द है, मेडिकल से दवाई लेते आइए। क्या हुआ बाबूजी को? अरे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा माथा दुख रहा है। दवाई लाने का कोई जरूरत नहीं है, बहू माथा दबा रही है, ठीक हो जाएगा। नहीं बाबूजी, हम ले आते दवाई। अरे रहने दो, हमने कहा ना, तो वैसे भी सर दर्द का दवा खाने से सेहत ठीक नहीं रहता है। ठीक है बाबूजी, अगर दर्द कम नहीं होगा तो बता दीजिएगा, हम दवाई ले आएंगे, नहीं तो डॉक्टर को ही बुला देंगे। ठीक है, चलते हैं। हाँ हाँ बेटा। आज तो खूबसूरती की कहर डारी हो तुम। अरे गजब, मतलब आज आप नोटिस कर लिए हैं? अरे हम तो रोज ही नोटिस करते हैं, लेकिन बताते नहीं है, वो बात अलग है। तो बताया करिए ना, अच्छा लगता है सुन के। अच्छा तो अभी चलते हैं, बाहर गाड़ी और बाबूजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम क्या कह रहे थे कि आप भी चलिए हमारे साथ, एक काम तो पूरी जिंदगी लगा रहेगा, और आपके फूफा जी के बेटे की शादी है, आप नहीं जाएंगे तो उनको भी बुरा लगेगा। बात तो तुम सही कह रही हो,
पर क्या है कि मोहित के एग्जाम है ना, तो कोई ना कोई तो घर पे होना चाहिए। हम यहाँ रुकेंगे तो मोहित का एग्जाम भी देख लेंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। और फूफा जी की टेंशन मत लो तुम, घर से दो लोग जा रहे हैं बहुत है। अच्छा, तो फैमिली मैन बन रहे हो आप? हम तो पहले से ही फैमिली मैन है, पर आपको नजर अभी आया है। चले आराम से जाना, ठीक है? कुछ भी लगे तो फोन करना मुझे। आओ बैठ। आ बैठ। जी कहिए। सर आज से 3 दिन पहले इस महीने की 7 तारीख को हमारे बाबूजी, हमारी पत्नी फूफा जी के यहाँ शादी के लिए निकले थे सब। उनको कल तक आ जाना चाहिए था, पर आज सुबह तक नहीं आए, तो हमने फूफा जी को फोन किया तो पता चला साहब वो पहुंचे ही नहीं वहां पे। साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे बाबूजी मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए। साहब देखिए ना, मेरे बच्चे ने औरों के बुरा हाल कर लिया साहब, प्लीज। आप चिंता मत कीजिए, हम उन दोनों को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन 7 तारीख को जब वो घर से निकले थे कितने बजे गए थे? गाड़ी से गए थे या? साहब टैक्सी से गए थे, बाबूजी खुद चौक से टैक्सी लेकर आए थे। तकरीबन साहब 4 बजे निकले थे वो। टैक्सी का नंबर याद है? UP65XY0451। और ड्राइवर का हुलिया वो याद है? सर हुलिया तो इतना याद नहीं है, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी। आपके इतने करीबी रिश्तेदार की शादी और आप और आपका बेटा नहीं गया, इनविटेशन नहीं था? नहीं सर, हम सबने जाना था। दरअसल साहब मेरे बच्चे का एग्जाम था, मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, मेरी कुछ अर्जेंट मीटिंग थी इसलिए हम दोनों जा नहीं पाए। आपको किसी पे कोई शक जो आपके परिवार से दुश्मनी रखता हो और आपके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? साहब शक तो है साहब, सब हमारे चाचा बबन और उसके बेटे पर। दरअसल साहब उनके हमारे परिवार से कुछ जमीनी कार्रवाई चल रही है। साहब पहले भी वो हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। कुछ दिन पहले तो मेरे बाबूजी पर जानलेवा हमला भी किया था उन्होंने। ठीक है, एक काम कीजिए, अपने बाबूजी और पत्नी का फोटो दे दीजिए और मोबाइल नंबर भी, अपने फूफा जी का भी नंबर दे दीजिए। तिवारी इनके पत्नी और बाबूजी के फोटो सर्कुलेट कर दो और इनके फूफा जी से भी बात करके देखो। जी सर, आइए। थैंक यू सर। चलो बेटा। जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर हमको महेश ने दिया था सर, वो गलत है। हमने RTO में भी चेक कराया, उस नाम की कोई गाड़ी ही नहीं है। इसके साथ ही हमें पूनम और केशव के दोनों कॉल डिटेल्स और लोकेशन चेक किए थे, उसके हिसाब से रामनगर का वही एरिया है जहां महेश का घर है। 7 तारीख को 4:20 से अब तक उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैसेज और कॉल में कुछ सस्पिशियस मिला? नहीं सर, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। और उनके फूफा जी से भी बात की हमने, जो वहाँ पूनम और केशव वहाँ पे जाने वाले थे वो तक पहुँचे ही नहीं सर अभी तक, जैसा कि महेश ने बताया था हमको। मतलब उन दोनों का कॉल सेम समय पे सेम लोकेशन पे बंद हुआ, वही घर के आसपास। मतलब जो भी हुआ है शायद उधर ही हुआ है। एक काम करते हैं, महेश के घर चलते हैं और उसके आसपास का एरिया चेक करते हैं और वहीं से हम बब्बन से भी मिल लेंगे। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, हम क्या कर सकते हैं आपके खातिर? हाल फिलहाल तो ये बता दीजिए कि केशव और उनकी बहू के गायब होने में आपका कितना हाथ है? इंस्पेक्टर साहब, आप हम काम पर शक कर रहे हैं। हाँ, हमारे भाई के साथ जमीन विवाद चल रहा है, लेकिन उसके और उसके बहू के गायब होने में हमारा कोई हाथ नहीं। आप पे यकीन कर पाना मुश्किल, क्योंकि केशव के बेटे महेश के अनुसार आप ना सिर्फ उनके घर जाकर उन लोगों को धमका चुके हो बल्कि उनके बाप पर जानलेवा हमला भी करवा चुके हो। सर टोटल लव रहा है, मेरा मतलब झूठ बोल रहा है।
आप खुद ही बताइए, अगर ऐसा कुछ क्या होता तो पुलिस कंप्लेन करता था ना। तुम कौन इनके बेटे हो? ये मेरा बेटा पप्पू है। जी सर। तुम क्या जानते हो केशव और उनकी बहू के गायब होने के बारे में? सर हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, अभी के लिए तो हम जा रहे हैं, अगर कुछ याद आए तो जल्दी आकर बता देना। तहकीकात करते वक्त अगर इस केस की कड़ी हमें दोबारा तुम्हारे पास लेकर आई ना तो बहुत पछताओ। ये दोनों बाप बेटे हैं ना, मैं सच नहीं मालूम पड़ रहे हैं। एक काम करो, इनकी कुंडली निकालो, CDR, कॉल लोकेशन, सब कुछ। और जो इन दोनों भाइयों में जमीनी विवाद चल रहा है ना, उसकी भी सारी डिटेल निकालो। यस सर। मोहित बेटा उठो। मोहित, दूध पिलो बेटा, उठो, पिलो दूध पिलो। नहीं पापा, हमें दूध नहीं पीना। क्यों? माँ और दादाजी कब वापस आएंगे? बेटा जल्दी आ जाएंगे वो। देखो जब तक वो नहीं आते ना, हम दोनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है? लो अब अच्छे बच्चों की तरह दूध पिलो। गुड। हेलो इंस्पेक्टर साहब। सर हम महेश प्रजापति बोल रहे हैं। सर हमारे बीवी और हमारे बाबूजी के बारे में कुछ पता चला? देखो महेश, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी कुछ पता चल जाए, पर जैसे ही पता चलेगा हम तुम्हें खबर कर देंगे। सर पक्का ये उस बबन और उसके बेटे का ही काम है, उन्हीं लोगों ने कुछ किया करवाया होगा मेरी बीवी और मेरे बाबूजी के साथ। महेश हम केस की उस एंगल से भी जांच कर रहे हैं, अगर वो लोग इसमें शामिल हुए तो बचेंगे नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। महेश और उसका बेटा मोहित, ये दोनों ही अचानक परिवार के बिखरने को लेकर आहत हो गए थे। पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि दिन दहाड़े अपने घर वाले इलाके से ये दोनों अचानक कहां गायब हो गए। वो ड्राइवर कौन था जो बगैर रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ी लेकर आया था? आखिर केशव और पूनम गए तो गए कहां? क्या ये बब्बन और उसके बेटे का कहर था जो इन दोनों पर टूट पड़ा था, या फिर कोई और था जिसने इन्हें गायब कर दिया था? पुलिस को यह भी शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केशव और पूनम अपनी मर्जी से गायब हुए हैं। लेकिन तभी पुलिस के हाथों एक सुराग लगा जिसने इस पूरे मामले को पलट कर रख दिया। पूनम, दूर रहो, बॉडी से दूर रहो। जालिमों ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। इन दोनों को कहीं और मारा गया है और मरने के बाद बॉडी को यहाँ लाके फेंका गया है। जिस बेरहमी से मारा गया है ऐसा लगता है कि किसी ने बड़े क्रोध से बदला लिया है, और ये काम किसी एक आदमी का नहीं लगता है। जी सर, आखिर किसने मारा होगा इन दोनों को? बब्बन, उसके लोग, उसके बेटे ने मारा सर, और कौन कर सकता है? मार दिया, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया सरकार उन जालिमों ने। तिवारी जी, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और देखो कि खून होने का टाइम और डेट क्या है, और फिर उसके बाद बब्बन और पप्पू को भी कॉल लोकेशन को खंगालो, देखो कि सेम टाइम और सेम लोकेशन पर वो लोग कहाँ थे। जी सर। सर पूनम और केशव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सर, इसमें साफ पता चलता है कि दोनों की मौत गला कटकर की गई। सर इन दोनों की मौत 7 अक्टूबर को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच हुई है, और इनकी बॉडी में बेहोशी की दवाई के ट्रेसेस पाए गए हैं। इसका मतलब पहले उन्हें बेहोश किया गया और फिर उन्हें किडनैप किया गया। जी सर। हत्या का टाइम 4 से 5 के बीच है, मतलब पहले उन्हें किडनैप करके उनके घर के आसपास ही उनका मर्डर किया गया। बेहोश होने की वजह से वो दोनों संघर्ष भी नहीं कर पाए, और शायद यही वजह रही कि किसी ने ना उन्हें देखा और ना ही सुना। हत्यारों ने पहले उनकी हत्या की और वहीं इलाके से 8 किलोमीटर दूर ले जाकर बॉडी को डंप किया। तुमने बब्बन और पप्पू की लोकेशन फिर से चेक की? जी सर मैंने चेक किया, मगर उस टाइम पे 4 से 5 के बीच बब्बन और पप्पू की लोकेशन के घर के आसपास ही थी सर। ऐसा लगता है कि उन्होंने बड़ी चतुराई से ये काम किया है, और हमें भी बड़ी चतुराई से ही उन्हें पकड़ना पड़ेगा।
परम आराम से। कैसे हो मोहित बेटा? अरे इंस्पेक्टर साहब, एक माँ के बगैर बच्चे का क्या हाल हो सकता है, ये तो आप समझ ही सकते हैं ना। खैर, तुम्हारे पिताजी और पत्नी के मर्डर केस में एक चश्मदीद गवाह मिला है, जिसने बॉडी डंप करने वाले में से किसी एक को देखा है। बस उसी से मिलने जा रहे हैं। स्केच बन गया तो केस भी सॉल्व हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, अभी तो हम चलते हैं। केस में जो भी प्रोग्रेस होगी तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जब तक बच्चे का ख्याल रखो, क्योंकि अब उसके माँ बाप तुम ही हो। यार तू रूप का इक्का और ये बत्ता बुरा हो गया है। अरे भैया क्यों आ रहे? अरे क्या हुआ भाई, यहाँ का मामला बहुत गर्म है, जानते नहीं होगा। मामला गर्म नहीं है, मामला खुल गया। जब तुमने हमारे पिताजी हमारी बीवी की लाश फेंकी थी ना, तो किसी ने तुम्हें देख लिया है। और जिसने देखा है वो तुम्हारा स्केच बनवा रहा पुलिस के साथ मिलके। मेरी बात मानो, जल्दी से जल्दी अंडरग्राउंड हो जाओ। भाई अंडरग्राउंड तो हो जाएंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। हम लोगों ने तो नकाब पहना था। ये हो नहीं सही कह रहा है, किसी ने नहीं देखा। क्यों ताज्जुब हुआ? जैसे तुमने अपने आप को बचाने के लिए खेल खेला, वैसे ही हमने तुम्हें पकड़ने के लिए एक और खेल खेला। सर बब्बन और पप्पू हमें दोनों ही क्लीन लग रहे हैं। सर हमने एक सिविल यूनिफॉर्म हवलदार जो लगाया हुआ था, उसने भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी नहीं। सर मुझे नहीं लगता कि ये बब्बन और पप्पू ने इनका मर्डर किया होगा, क्योंकि उस टाइम पे 4 से 5 के बीच में इनकी लोकेशन इनके घर के आसपास ही थी। ऐसा हो सकता है कि बब्बन और पप्पू दोनों निर्दोष हों? मान लो कि बब्बन का केशव के साथ जमीनी विवाद चल रहा, और अगर उसने कत्ल भी किया है, और कानूनी तौर पर जमीन जब तक उन्हें नहीं मिल सकती जब तक वंश के दो लोग जिंदा हैं, मोहित और केशव, तो फिर बब्बन और पप्पू उन्हें जिंदा क्यों छोड़ेंगे? कहीं ना कहीं तिवारी, मुझे ये लग रहा है कि केशव की फैमिली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मान लो कि केशव को काम था इसलिए वो शादी में नहीं गया, और उसका बेटा मोहित इसलिए नहीं गया कि उसका एग्जाम था। पर केशव तो अकेला जा सकता था, फिर पूनम उसके साथ क्यों गई? क्या केशव और पूनम किसी की मर्जी से गए या अपनी मर्जी से? एक काम करो, तुम ना इनकी कुंडली खंगालो, बैंक डिटेल, सोशल मीडिया अकाउंट, CDR, कॉल लोकेशन, सब देखते हैं कि क्या मिलता है। सर बोलो तिवारी। हमने केशव की फैमिली की सारी कुंडली निकाल ली है सर, इसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा सर, सिवाय एक चीज के। क्या? सर केशव के ना 50 लाख की इंश्योरेंस की पॉलिसी थी, और कुछ दिन पहले केशव ने अपने बेटे महेश की जगह पूनम को नॉमिनी बनाया, और दोनों के मरने के बाद वो सारे पैसे महेश के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। तिवारी एक काम करो, महेश के घर के बाहर कुछ पुलिस वालों को सिविल वर्दी में तैनात करो, मुझे महेश की हर हरकत की पल पल की खबर चाहिए। जी सर। हमने पुलिस वाले को सिविल में तुम्हारे घर के आगे तैनात किया, और फिर मैंने ही आके तुम्हारे घर पे झूठ बोला कि हमें चश्मदीद गवाह मिल गया, और जैसी उम्मीद थी तुमने वैसा ही किया। तुम बेचैन हो गए, अपने पीछे पीछे हमें यहां तक ले आए। अरेस्ट करो इन लोगों को, अब बोलना शुरू करोगे या गर्म तवे पे बिठाऊं तुमको? सर मैं दिन रात मेहनत करता था ताकि अपने परिवार को खुश रख सकूं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था, मेरा बहुत अच्छा परिवार है, सुंदर सुशील बीवी है, ख्याल रखने वाले पिताजी हैं, पर साहब सब धोखा था। सर उस रात जब मेरी नींद खुली तो मेरी बीवी पूनम बिस्तर पर रही थी। सर हम कुछ देर तक जागे रहे, इंतजार किया, पर वो आई नहीं। फिर हम उठ के खड़े होके बाहर गए, मैंने देखा जो साहब मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली गई हो।
अपमान तो किया, वहीं दोनों को गोली मार दूंगा। पर साहब, मुझे मेरे बच्चे का ख्याल आ गया कि कहीं वो अनाथ ना हो जाए। मैंने फिर प्लान बनाया, इन पर नजर रखी पल पल की। मैंने पिताजी के कमरे में स्पाई कैमरा लगाया और वहां का ऑडियो वीडियो मुझे मिलता रहा। फिर एक दिन अचानक फूफा जी के यहां से इनविटेशन आया शादी के लिए, पूरे परिवार के लिए। बस मेरे दिमाग में तभी प्लान आया, यही मौका है दोनों का काम तमाम करने के लिए, इसलिए मैंने दोनों को ही भेजा साहब। सर ये काम फिर मैंने इन दोनों को सौंप दिया। इनमें से एक नकली नंबर प्लेट वाली गाड़ी लेके आया जिसमें पिताजी और पूनम बैठ के गए। सर हमारे घर और राम चौक के बीच में सुनसान रास्ता आता है, दूसरा वहीं इंतजार कर रहा था। जैसे ही गाड़ी सुनसान रास्ते में गई, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, फिर इन दोनों ने पिताजी और नीलम को बेहोश कर दिया और फिर बेरहमी से मार दिया। और फिर घर से 7-8 किलोमीटर दूर झाड़ियों में जाके फेंक दिया। जानते थे पुलिस इस मामले पे हम पर भी शक कर सकती है, इसलिए सर हमने अपना फोन इस्तेमाल ही नहीं किया। कातिल कितनी भी चालाकी कर ले पर वो भूल जाता है कि कोई भी चालाकी उसके गुनाह को छिपा नहीं सकती। तुमने अपने बाप और बीवी का खून कर दिया पर तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि जब तुम्हारे बेटे को ये सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा। सर ख्याल आया था, लेकिन आप ही सोचिए ना, अगर किसी का बाप धोखेबाज निकले, किसी की बीवी उसकी पीठ में खंजर थोप दे, तो खून करने का मन किसका नहीं करेगा। खून करना ही किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अपनी पत्नी को तलाक दे सकते थे, अपने पिताजी से जाके बात कर सकते थे, बहुत सारी चीजें थी जो तुम कर सकते थे, पर ऐसा तुमने कुछ भी नहीं किया। हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ था और तुमने भी गुनाह किया है, और कानून तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। कहते हैं प्यार में कुछ भी किया जाए वो गलत नहीं होता, लेकिन हर बार ये बात सच नहीं होती। पूनम और केशव के मामले में भी ये बात सच नहीं थी। इन दोनों ने ससुर और बहू के रिश्ते को ना सिर्फ तार तार किया बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक महेश को अपराधी बनने पर मजबूर कर दिया। देखा जाए तो इसमें गलती महेश की भी थी कि उसने गलत रास्ता इख्तियार किया और उस रास्ते ने उसे कानून के कटघरे के पीछे पहुंचा दिया। आज की कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें रिश्तों और उनके दायरों का ख्याल रखना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज़।